और नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर अपने उस पलटू राम वाले बयान को, अपने पलटू राम वाले नाम को चरित्रार्थ करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने चरित्र और विचार और सिद्धांत की तिलांजलि देने के लिए तैयार है। जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं किया गया, इसका कारण यह था या जो है भाजपा वाले लोग इस विकास में बाधक बनते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट और मैं छपरा से प्रभास रंजन। आज बिहार की राजनीति जो है बिल्कुल ही बदल गई है। आप बताएं कि नीतीश कुमार जो कि कल तक जो भाजपा में थे, आज वो महागठबंधन का दामन थामने जा रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम लोग जो हैं तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए हैं कि ये कुछ लोगों ने तो इतना तक कर दिया कि ये पलटू चाचा हैं, कभी राजद से बीजेपी में आते हैं, कभी बीजेपी से फिर राजद में जाते हैं, इसको लेकर के भी और भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी में ये अपना ठगा हुआ महसूस करते थे, जिसके वजह से अपमानित होना नहीं पसंद करके इन्होंने राजद का दामन थमाया ताकि बिहार का विकास कर सके। ये बिहार में विकास पुरुष कहे जाते हैं और इसी के नाम से ये ज़्यादा चर्चित हुए हैं और ये अपने सिद्धांत पर ज़्यादा ये रहते हैं, जिसके कारण ये जो कि आज बीजेपी से जो कि उन्होंने आज राजद का दमन थाम रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाए जा रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों यहां पर खुशी जाहिर कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये जो विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं। और शायद कुछ लोगों ने तो इतना तक कह डाला कि क्या इनके आज राजद में जाने के बाद कल तक जो विरोध किया करता था लोग कि हाँ शराबबंदी जो है इनका कानून गलत है, शराब खोल देनी चाहिए, शराब के लोग जो पकड़े गए हैं उन्हें जो है आज क्या ये छोड़ देंगे, ऐसी बातें तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि ताकि ये लोग जो हैं ये इनको आज ये कह रहे हैं कि इनका जनाधार जो था वो बीजेपी के साथ था और इसी को लेकर के सरकार बनी थी, लेकिन आज भी बिहार की जनता के साथ इन्होंने ठगी किया है और आज इसका जनता जवाब देगी। क्या कहते हैं आज हमारे सारण की जनता और सारण के लोग जो हैं कुछ पार्टियाँ के लोग कि किस तरह की बातें भी कर रहे हैं, आइए मैं सुनता हूँ। निश्चित तौर पर यह बिहार के लोगों के साथ धोखा है, बिहार के जनादेश का अपमान है। नीतीश कुमार जी ने कुर्सी के लोभ में, सत्ता के मोह में जो ये फैसला लिया है, ये बिहार के लिए हितकारी नहीं होगा। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों ने यह जनादेश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को दिया था। बिहार के लोग ये चाहते थे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जो विकास कर रही है और बिहार में भी उसी गठबंधन की सरकार हो, ताकि बिहार और विकास के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ चले। लेकिन आज के निर्णय ने नीतीश कुमार जी के मानसिकता को स्पष्ट बतला दिया है कि नीतीश जी बिहार में विकास नहीं चाहते हैं बल्कि केवल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और इसके लिए वो कभी भी पलट सकते हैं। और नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर अपने उस पलटू राम वाले बयान को, अपने पलटू राम वाले नाम को चरित्रार्थ करने का काम किया है कि वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ जा सकते हैं, वो उन्हीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं जिस राष्ट्रीय जनता दल के खात्मे के लिए बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी 2005 में, जब राष्ट्रीय जनता दल को हटा करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार बनी थी वो लालू यादव के जंगल राज को समाप्त करने के लिए बनी थी। और एक बार फिर उन्होंने उसी जंगल राज के लोगों के साथ जाने का जो फैसला लिया है वो बिहार के लिए घातक है और जनता दल यूनाइटेड के लिए घातक है और बिहार के लिए कहीं से हितकारी नहीं है। बिहार में जो भी विकास दिख रहा है, नीतीश कुमार जी विकास की बातें करते हैं केवल, बिहार में जो विकास दिख रहा है, सड़कों का जो ये जाल दिख रहा है, ये केंद्र की सरकार में नितिन गडकरी जी के द्वारा सड़क एवं मार्ग मंत्रालय जो है उसके द्वारा जो बिहार में ये सड़कों का जाल बिछाया गया है उसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी लेते हैं कि हमने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहार में जो भी विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत दिख रहा है और डबल इंजन की सरकार के बदौलत दिख रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री जी एनडीए में रह करके जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं किया गया, इसका कारण यह था या जो है भाजपा वाले लोग इस विकास में बाधक बनते थे, जिसके चलते उतनी विकास नहीं हो पाई है। अब जो है सही निर्णय नीतीश कुमार जी लिए हैं, अब बिहार में काफ़ी तेज़ी से विकास होगी और पार्टी के अंदर ही अंदर जो है भाजपा तोड़ने की प्रयास कर रही थी, जिसके चलते नीतीश कुमार जी
जो है हमारे मुख्यमंत्री जी एक सही निर्णय लिए हैं। आज नीतीश कुमार जी ने अपने विचार, चरित्र और सिद्धांत को त्याग कर महागठबंधन के साथ जो गठबंधन करने का काम किया है, बिहार की जनता के सामने यह बात सत्य हो गई कि नीतीश कुमार जी ने कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने चरित्र और विचार और सिद्धांत की तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं। उनसे किसी बिहार बाढ़ से त्रस्त है, सुखाड़ से त्रस्त है, ये कुछ से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को केवल कुर्सी पसंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं नीतीश कुमार से यह सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। यह मेरा सवाल नहीं, यह बिहार की जनता का सवाल है कि क्या कल से महंगाई खत्म हो जाएगी, क्या कल से बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या कल से बालू की बंदी समाप्त हो जाएगी, क्या कल से दारू बंदी समाप्त हो जाएगा, क्या जो दारू बंदी में लाखों लोग जेल में बंद है वो छूट जाएंगे, क्या वो बिहार पुलिस या बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग जो दारू के मामले में जेल में बंद है या सजा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे लोगों का क्या कल्याण हो पाएगा, बिहार के युवाओं को 20 लाख रोजगार आप दे पाएंगे, वैसे महागठबंधन के साथियों के साथ मिलकर को 2005 में आपने यह संकल्प के साथ महागठबंधन के विरुद्ध लड़ाई लड़के बिहार की जनता को आश्वासन देकर सत्ता में आए थे, यह सवाल बिहार की जनता का है और यह आपसे पूछती रहेगी जनता।